केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 15 अक्टूबर से कुछ शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये अपनी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और उस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी ज़रूरी होगी। इसके अलावा सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 1 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक अनलॉक 4 के तहत कई चीज़ों की छूट दी गई थी। केंद्र सरकार मेट्रो सेवाएं शुरू करने, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दे चुकी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के तहत चरणबद्ध तरीके से मॉल, सलून, रेस्तरां और जिम जैसे सार्वजनिक स्थल खोलने की अनुमति दी थी। कंपनियों के ऑफिस भी खुल गए हैं, मगर सुरक्षित दूरी और अन्य सावधानियों का पालन ज़रूरी है। 25 मार्च से ही देश के सारे सिनेमा हॉल बंद हैं। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने कई बार अपील की, लेकिन गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से केवल ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति दी। अगस्त में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने गृह मंत्रालय को थिएटर्स में सीटिंग प्लान का फॉर्मूला भेजा था। इसके हिसाब से पहली पंक्ति में एक सीट छोड़कर दर्शक बैठें और उसके बाद वाली को खाली रखा जाए ताकि सुरक्षित दूरी बनाई रखी जा सके। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 80,472 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 62 लाख से ज़्यादा हो गई। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 51,87,825 हो गई, जिससे स्वस्थ होने की दर 83.33% पर पहुँच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मृतक संख्या बढ़कर 97,497 हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।